असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पॉटिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया, जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह, आपके आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। मैं जितना आप सबका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से
ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है।